विराट धर्म संसद के नेतृत्व में सनातन बोर्ड की एक मांग हो रही है और उसका आयोजन दिल्ली में होने जा रहा है ठाकुर देवकी नंदन के नेतृत्व में। हमारे देश के तमाम साधु संत इसमें शामिल हो रहे हैं और आपसे भी अपील है कि आज हमारी विराट धर्म संसद की आवाज़ इन राजनेताओं तो पक्ष विपक्ष सारे लोगों तक पहुंचे। इसके लिए आपको सबको इसमें शामिल होना है, बड़ी संख्या में उपस्थित रहना है। ये मेरी विनम्र आग्रह है, अपील है, एक सेवक की बात को कबूल करते हुए अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित रहे और सनातन धर्म की रक्षा के लिए अब आगे आए। जय हिंद। 60 सालों के अंदर हिंदू धर्म के लिए कोई बोर्ड ही नहीं है, कोई सरकारी फंड नहीं है। हमारे अन्य वर्ग के पास 13 बोर्ड है, हलाल 8 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। देशवासियों, आज हमारे सौर संस्था की तरफ से सनातन बोर्ड धर्म संसद के समर्थन में आज हमारे सौर संस्था के महाराष्ट्र अध्यक्ष अशोक सिन्हा जी, महासचिव देवेंद्र तिवारी जी और हमारे आरएसएस के राजेश जी और हमारे वकील साहब सुधीर जी, हम लोग 16 तारीख को जो धर्म संसद हो रही है दिल्ली में उसके समर्थन हेतु छठ मैया का आशीर्वाद लेते हुए इस सफल हो और देश का पहला सनातन बोर्ड हमें हासिल हो। कानूनी तरह से जिस तरह से वक्फ बोर्ड को पूर्णतः ताकत मिली है, सारे राजनीतिक दलों से हमारी गुजारिश है कि हिंदुओं के लिए सनातन बोर्ड की स्थापना में पूर्णतः मदद करें। हमारे लिए ये सारे नेता एक है, इन्होंने जिस तरह से आज वक्फ बोर्ड या सारी संस्थाओं को दिया, हमारा पहला बोर्ड सनातन हो रहा है, हिंदुओं के लिए ये स्थापन को मंजूरी दे। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा और सारे नेता, मुख्यमंत्री, सीएम, गृह मंत्री मोदी जी, सबसे गुजारिश है कि हिंदुत्व के लिए हमें ये समर्थन करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय